मजबूरन बनाना पड़ रहा है ये व्लॉग, आपको शर्मानी चाहिए। आप ही खुद इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार हैं, ना कि रेलवे, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे अपना पूरा अच्छी तरह से काम करता है और आप लोग अपनी संपत्ति को अपना नहीं समझ करके कुछ इस तरह से हरकतें करते हैं, इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल, में आपका चहिता आरजे ओमी फिर से स्वागत करता है। देखिए आपने क्या किया है अपनी संपत्ति के साथ। भारत की आन बान शान कही जाने वाली इंडियन रेलवेज, आज इंडियन रेलवेज बड़ी प्रगति पर है क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जैसी प्रीमियम ट्रेन भी आ चुकी है और वंदे साधारण जैसी बेहतरीन ट्रेन भी आ चुकी है। पर क्या हम इन ट्रेनों को साफ और सुंदर रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। हम हमेशा रेलवे को दोष देते हैं क्योंकि रेलवे सफाई नहीं रखता। क्या हम पैसेंजर इन ट्रेनों की सफाई रखते हैं? इन ट्रेनों के अंदर इतनी गंदगी है। मैं और ओमी भैया हम दोनों आए थे आज, सॉरी ओमी भैया के चैनल में वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ। हम दोनों अहमदाबाद आए हुए थे और अहमदाबाद से हम वापस निकल रहे डूंगरपुर के लिए इस डेमू ट्रेन का सफ़र करने के लिए। भाई अंदर गए तो इतनी गंदगी है और मतलब बाथरूम में भी बंदा नहीं जा सकता, तो किसी लेडीज को अगर बाथरूम जाना हो तो क्या स्थिति होगी? भैया क्या बोलते हो आप इस मामले में? बहुत खराब स्थिति है वंदे भारत लॉन्च की, और मोदी जी हमेशा कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। उनकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, स्वच्छ भारत अगर बनाना है तो हर एक शख्स हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना पड़ेगा। अभी ट्रेन के अंदर ये देखिए आप, ये अभी वो स्वीपर आके सफाई कर रहा है, अभी ये कचरा कितना पड़ा हुआ देखो, ट्रेन के नीचे प्लेटफॉर्म के भाई ट्रैक्स के ऊपर भी कचरा है। मतलब आशीष ऐसा नहीं, हमने देखा है इसको कि वो सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कचरा पड़ा हुआ है। अब ये देखो ये ट्रेन के अंदर अभी अपन ये चल रहे हैं, अब ये देख लो ये स्थिति है भाई, अभी बहुत खराब स्थिति है। ये तो और थोड़ा सा दिख रहा है आपको, बाकी मैं आपको बताऊं ना वर्चुअली तो आपको बहुत कम दिख रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको इतना ज्यादा एक्सपोज कर दूं कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाए। फिर भी मुझे ये मजबूरन व्लॉग बनाना पड़ा। अभी आप सीटों के नीचे देख लो, ये लोग जो भी खा रहे हैं वही फेंक रहे हैं। भाई इसके अंदर या तो फिर कचरा अपने खुद के पास में से रखो यार, कहीं आ जाए कचरे के डिब्बे में डाल दो या कुछ ऐसा करो, पॉलीथिन रखो उसके अंदर डालो यार, क्या है ये? अभी ये बाथरूम के अंदर देखो पानी नहीं डाल रहा, पानी नहीं, कैसे किसी लेडीज को बाथरूम में? बहुत स्थिति खराब है। हम भी जैसे तैसे जो के त्यों इस पे चल करके इस को व्लॉग को कर रहे हैं यार, मुझे भी थोड़ी सी शर्म आ रही है। आप यार क्या करते हैं? मुझे तो कभी कभी आशीष ऐसा लगता है कि घर में भी ये सब घर में भी ऐसा ही करते होंगे, मुझे ऐसा लगा, बोलना पड़ रहा है मुझे भी। भाई बुरा मत मानना, पर मैंने बाथरूम की स्थिति देख के तो ये मुझे समझ में आ चुका है कि भाई क्लियरली अगर बात बोलूं तो लोग लेटरिंग जाने के बाद में बाथरूम में पानी नहीं डालते हैं। चलो पानी नहीं डाला तो चलेगा, कोई बात नहीं। भाई ऐसे ही पेंट चढ़ा के निकल गए कि धोखे भी निकले हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये बुरा लगेगा मेरा ये वर्ड, पर हम हमारी रेलवेज को बर्बाद करने में बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, पूरी तरीके से हम रेलवे को बर्बाद कर रहे हैं। रेलवे हमारी संपत्ति है, हमको उसका ध्यान रखना है। रेल जो भारतीय एक संपत्ति है, हमारी संपत्ति। देखो अब जिस तरह से हम बाहर झांक रहे हैं तो कचरा ही कचरा। अरे यार पॉलीथीन में डाल के रखो, जब कोई लेने आ रहा है कचरा तो उसको दे दो, आप उसको उसके अंदर डाल दो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। आप ट्रैक पे पूरा बिछाए रखा है, वास्तव में यार अब मैं भी क्या बोलूं, जबकि प्लेटफॉर्म पे डब्बा रखा हुआ कचरे का तो भी वहां पर कचरा डालना है नहीं। और नहीं मोस्टली होता है, यहाँ थूकना मना है तो लोग बाग वहां ही थूकेंगे जहाँ थूकना मना है लिखा होगा। ये बात सही है ना? सही है बिल्कुल। कि ये व्लॉग नहीं बनाता, पर जब मैं ट्रेन में चढ़ा और वहां की स्थिति देखी तो इतना गुस्सा आया कि आप समझ ही नहीं सकते, और मुझे व्लॉग बनाना पड़ा। मैं इस व्लॉग में जो बोल रहा हूँ वो इतना कड़वा बोल रहा हूँ कि आप लोग सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ऐसा भी बोल सकता है, पर क्या करूँ, आपने किया ही काम ऐसा है, और कड़वा बोल करके फिर मैंने इस व्लॉग को बनाया, क्योंकि मैं खुद बैठ नहीं पा रहा था वहाँ पर। मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी कि यार मैं कहाँ आ गया,